ही ब्रिटेन के दौरे पर है। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पोगैस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पोगैस था। राहुल ने दावा किया है कि एजेंसियों के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत का लोकतांत्रिक खतरे में है। उन्होंने कहा कि मेरे फोन में पोगैस था, मुझे अधिकारियों ने सलाह दी थी कि मैं फोन पर सावधानी से बात करूं क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग एक नियंत्रण दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर भी कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या पीएम मोदी ने सही काम किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना या बैंक खाता खोलना यह अच्छी चीज है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वह सही नहीं है। वे भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं, वह भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा, यहाँ पर एक सिख बैठे हुए हैं, यह भारत से है, हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यह भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी का संबोधन होते समाज में सुनने की कला पर फोकस था। उन्होंने दुनिया भर में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नए सोच को जरूरी बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में लगातार घट रही मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस बदलाव में व्यापक स्तर पर असमानता और नाराजगी को जन्म दिया है, इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया नहीं चाहते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई नहीं हो, इसीलिए हमें नई सोच की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हो, इसलिए हमें एक नई सोच अख्तियार करनी पड़ेगी कि हमें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक माहौल तैयार करें, इस बारे में चर्चा करें। राहुल गांधी ने कहा, मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी आलोचना करता है तो उसको धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, यह बुरा विचार है, मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेने दीजिए, मैंने उनसे कहा कि मैं यात्रा करूंगा। पोगैस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है, इस वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है। इसे इजराइल सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। पोगैस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो टारगेट के फोन में जाकर डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। इस सॉफ्टवेयर के फोन में जाते ही फोन सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करने लगता है। इससे एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि 2019 में ही भारत में कम से कम 1400 लोगों के निजी मोबाइल सिस्टम की जासूसी हुई थी। कहा गया कि इसमें 40 मशहूर पत्रकार, विपक्ष के 3 बड़े नेता, संवैधानिक पद पर आसीन एक महानुभव, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के कई आला अफसर, दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हैं। काफी हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।